प्रधानमंत्री मोदी आज हिमाचल के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की चौथे वंदे भारत ट्रेन को हिमाचल के ऊना जिले से हरी झंडी दिखाई। इससे पहले हिमाचल पहुंचने पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, सीएम जयराम ठाकुर और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने पीएम मोदी का स्वागत किया। वहीं उद्घाटन समारोह में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। उद्घाटन कार्यक्रम में लोगों का भी तांता लगा रहा। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपने दूसरे घर हिमाचल प्रदेश में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई सौगात दी है। इस ट्रेन की स्पीड 86 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ऊना से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को इसका बहुत लाभ होगा। ये ट्रेन अब अंदौरा से 1 बजे चलेगी और 6:25 पर दिल्ली पहुंचेगी। इसके बाद उन्होंने वर्ल्ड ड्रग पार्क परियोजना का शिलान्यास किया। आपको बता दें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 मार्च 2020 को वर्ल्ड ड्रग पार्क योजना को मंजूरी दी थी। इस परियोजना से हिमाचल के युवाओं को रोजगार मिलने के साथ निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।